नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार को मोहाली में खेला जाएगा। पहले वनडे में पूरी तरह नाकाम रही भारतीय टीम अपने जीत के ट्रैक पर वापस आना चाहेगी। धर्मशाला वनडे से पहले तो भारत इस सीरीज में क्लीन स्वीप करने का ख्वाब देखा था, लेकिन अब सीरीज बचाने का सवाल आ खड़ा हुआ है। रविवार को जब श्रीलंका के कप्तान तिसारा परेड़ा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो पहली बार भारत की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि वह खुद को मिले इस मौके को हमेशा के लिए भूलना चाहेंगे। लगातार 12 वनडे मुकाबले हार चुके श्रीलंका की टीम के गेंदबाजों ने धर्मशाला के मैदान पर स्विंग और सेम कंडीशंस का ऐसा फायदा उठाया कि भारत एक वक्त पर वनडे सीरीज में अपने न्यूनतम स्कोर 54 से भी कम पर आउट होने कगार पर पहुंच गई। लेकिन धोनी ने अपने अनुभव की बदौलत भारत की इज्जत को बचा लिया। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या की खराब फॉर्म चिंता का कारण बना रहा, जिन्होंने काफी रन लुटाए जबकि भारत ने सिर्फ 112 रन बनाए थे। श्रीलंका ने 20.4 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली, जिससे युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। इसलिए भारतीय गेंदबाजों के बीच किसी तरह की तुलना करना गलत होगा। एक मैच के आधार पर हार्दिक पांड्या को अंतिम एकादश से बाहर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैच तो हर मामले में भारत के लिए बुरा साबित हुआ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए गेंदबाजी हरफन मौला के रूप में चुने गए पांड्या को अगले महीने शुरू हो रहे दौरे से पहले अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए FM न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।